हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ, एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी दिखाने वाला हूँ जो आपकी मैरिड लाइफ में आग लगा सकती है। इसको बोलते हैं CO2 फ्रैक्शनल लेज़र, और ये लेज़र है, और ये देखिए कितनी पावरफुल लेज़र है। इस लेज़र को हम यूज़ करेंगे, ये देखिए, इस लेज़र को हम यूज़ करेंगे और इस लेज़र के यूज़ करने से ये लेज़र इस कार्ड को दो टुकड़ों में काट सकती है। अगर मैं बताऊँ आपको कि इस लेज़र के इस्तेमाल से आप अपने पार्टनर या अपनी वाइफ की वजाइना को टाइट कर सकते हैं और अपने सेक्सुअल प्लेजर को, अपनी सेक्सुअल एन्जॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, तो आप इस बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे, पर हाँ, ये सच्चाई है। और इस टेक्निक को बोलते हैं नॉन सर्जिकल वजाइनल रिजुविनेशन या बिना सर्जरी के योनि को टाइट करने की टेक्नोलॉजी रिसेंटली देश में अवेलेबल है, और आज आपके डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता के सेंटर पे भी अवेलेबल है। कई मरीज़ जो एक्चुअली अपने पेनिस के साइज़ को लेके परेशान हैं, कई मरीज़ आते हैं कि सर पेनिस का साइज़ पहले ठीक था, अब छोटा महसूस होता है, या पहले शादी से, बच्चे होने से पहले हमारा सेक्स बहुत अच्छा था और अब सेक्स ठीक से नहीं हो पाता है, या वाइफ़ को महसूस नहीं होता, या हमारी वाइफ को एन्जॉयमेंट नहीं आता। ऐसे कितने सारे मर्द हैं जो शादी के बाद, बच्चे होने के बाद अपने आप को कोसते हैं, अपने साइज़ को कोसते हैं, जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम है कि बेबी डिलीवर होने के बाद जो लेडीज़ है, वुमेन है, कई बार उनका जो अंडर पार्ट्स है, वजाइनल पार्ट्स है, वो लूज़ हो जाते हैं। लूज़ होने के कारण उनको भी प्लेजर नहीं आता और हस्बैंड भी अपने आप में हीन भावना महसूस करते हैं। कई मरीज़ दवाइयाँ खाते हैं या पेनिस को साइज़ बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं और उसका फ़ायदा होता भी है, पर अगर हम वजाइना को ही या जो फीमेल योनि है उसी को टाइट कर दे, उसको फिर से जो है जवानी की तरह या बच्चे होने की पहली की तरह नॉर्मल कर दे, तो उससे कई मरीज़ ठीक हो जाते हैं, कई शादियाँ बच जाती है, कई कपल्स इम्प्रूव हो जाते हैं, और इसी को बोलते हैं वजाइनल रिजुविनेशन। वजाइनल रिजुविनेशन के चार पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है कि जो बाहर की इंद्रिय है, ये जो लेडीज़ की बाहर की योनि है, उसके अंदर जो मतलब जो ढलकाव आ गया है या जो कलर चेंज आ गया है उसको इम्प्रूव करना। जो मांसपेशियां है जिससे फीमेल को क्लाइमैक्स आता है, उन मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करना। और जो वजाइना के अंदर का पार्ट है, जो बच्चा होने के बाद या छोटे ऑपरेशन के बाद या बड़े ऑपरेशन के बाद लूज़ हो गया है, उसको टाइट करना। इस मशीन के अंदर डिफरेंट प्रोब्स आते हैं, जैसे ये एक प्रोब है जो वजाइना में जाके पूरी वजाइना के अंदर छोटे छोटे बर्न्स कर वजाइना को टाइट करता है, और नॉर्मली 2 से 3 सिटिंग के बाद जो फीमेल पार्टनर है उसको बेटर भी फील होता है, वजाइना भी टाइट फील होती है, और उनके हस्बैंड को भी फिर से पहले जैसा सेक्सुअल प्लेजर आना शुरू हो जाता है। इस लेज़र मशीन के क्या फ़ायदे हैं, इस लेज़र मशीन से हम क्या क्या प्रोसीजर कर सकते हैं, और इस लेज़र मशीन से कितनी फीमेल्स को फ़ायदा हुआ है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। हमारे साथ आज है स्पेशल डर्मेटोलॉजिस्ट और लेडीज़ डॉक्टर, डॉक्टर शंकीला मित्तल। डॉक्टर शंकीला मित्तल मेरे गोविंदा मेडी सेंटर पे जो मेरे मर्द है, उनकी जो फीमेल पार्टनर्स है या उनकी जो वाइव्स है, उनकी ट्रीटमेंट स्पेशलाइज करती है। ऑब्वियसली मैं मर्दों का इलाज करता हूँ, मैं लेडीज़ का इलाज नहीं कर सकता। मैं लेडीज़ का इलाज मतलब ऑब्वियसली मैं उनकी वजाइनल टाइटनिंग वगैरह जो है वो मैं नहीं करता, और सर्जिकल है तो अलग बात है, पर ये नॉन सर्जिकल रिजुविनेशन के लिए हमारे साथ हमारी गोल्ड मेडलिस्ट, नई दिल्ली इंडिया की टॉप कॉलेज से पढ़ी हुई डॉक्टर शंकीला मित्तल साथ है, और आइए आप उनसे जानेंगे कि इस मशीन को कैसे यूज़ करते हैं, इस मशीन से क्या क्या फ़ायदे हैं, और इस मशीन को यूज़ करने से या इस मशीन से इलाज कराने से कितना टाइम। तो आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर शंकीला मित्तल। डॉक्टर शंकीला मित्तल, आप प्लीज़ कुछ बताएं अपने बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शंकीला मित्तल है, मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, और मैं गोविंदा मेडी सेंटर से के साथ सारे स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए जुड़ी हुई हूँ। हम बहुत टाइम से दिल्ली में सब पेशेंट्स को स्किन प्रॉब्लम से रिलीफ करने में हेल्प कर रहे हैं, एंड रिसेंटली हमने वजाइनल टाइटनिंग के लिए मशीन इंट्रोड्यूस करी है जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, जिसकी वजह से हम बहुत फीमेल्स की हेल्प कर पाए हैं, स्पेशली जो परेशान है वजाइनल लूजनेस से या फिर खांसी करने से, थोड़ी थोड़ी देर में बार बार पेशाब आने से, उस केस में वजाइनल टाइटनिंग करने में और प्रॉब्लम्स को कम करने में इसने बहुत मदद करी है। साथ के साथ जो बाहर की वजाइनल की स्किन लूज पड़ जाती है, काली हो जाती है, उसको भी इम्प्रूव करने में ये टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल होती है। तो
तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि मेरे पास, जैसे मेरे पास तो मेल पेशेंट्स आते हैं, पर कई पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि अब शादी के बाद बच्चे हो गए दो, अब मतलब उतना नहीं इन्जॉय कर पाते या उतनी चीज़ें नहीं, तो उसमें कई बार क्या है मतलब फीमेल पार्टनर के एग्जामिनेशन पे, क्योंकि आजकल एपिजियोटमी या छोटा ऑपरेशन बहुत कॉमन है, तो इस टेक्नोलॉजी से उन औरतों में हेल्प हो सकती है क्या? बिल्कुल, इन्हीं औरतों के लिए टेक्नोलॉजी बनी है जिनकी आपकी डिलीवरी के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद स्किन लूज हो गई है, थोड़ी सी खुल गई है, उस केस में सेक्सुअल प्लेजर भी कम हो जाता है, तो टाइटनिंग लाकर वो पुरानी जो यूथ है उसको रेजुविनेट कर सकते हैं और अपने सेक्सुअल प्लेजर को भी दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी क्या असल में काम करती है या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी प्रॉपर साइंटिफिकली प्रूवन है, इसके ऊपर प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च है, लिटरेचर है जिसमें ये प्रूव किया गया है कि ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है। तो प्रूफ तो चलो एक बात हो गई, पर जैसे आपने पिछले 7-8 महीने में आई थिंक हमने 25-30 केस किए हैं, उसमें काफ़ी पेशेंट फॉलोअप में भी आए हैं, तो कैसा रिजल्ट रहा है अभी तक? नहीं, जितने भी पेशेंट्स आए हैं सब इस टेक्नोलॉजी से खुश हैं और उनको फ़ायदा ही मिला है। इसमें बस ज़रूरी है कि हम सही तरीके से पेशेंट को एग्जामिन करें, सिलेक्ट करें कि पेशेंट उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, और सही सेटिंग्स यूज़ की जाएँ ताकि उसको प्रॉपर फ़ायदा मिले इस टेक्नोलॉजी का। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि इस मशीन को कैसे यूज़ करते हैं और कितनी बार मरीज़ को आना पड़ेगा या कैसे सेशन होता है, सेशन में मतलब थोड़ा सा ऐसे अगर कोई प्लानिंग करना चाहे तो कैसे उसके एक्सपेक्ट करें वो इस सी सबसे पहले हमें देखना है कि आपके सिम्टम्स क्या हैं। अगर आपकी वजाइनल स्किन नीचे से लूज़ हो रही है, चाहे थोड़ी सी ही लूज़ होनी स्टार्ट हुई हो, या फिर थोड़ा सा खांसी करने पे हल्का फुल्का पेशाब निकल जाता है, या बार बार पेशाब का प्रेशर बनता है, या आपको संबंध बनाते समय लग रहा है कि अब उतना प्लेजर नहीं आ रहा है, उतना टाइट नहीं लग रहा है, या अगर आपको बाकी सब चीज़ें ठीक भी है पर आपकी बाहर की जो लेबिया की स्किन है वो लूज़ हो गई है, वो रिंकली हो गई है, लटकने लगी है, तो इस तरह की सिचुएशंस में ये मशीन बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ये जो मशीन है इट इज़ फ्रैक्शनल CO2 लेज़र, तो उसमें लेज़र बीम्स निकलते हैं जो स्किन के अंदर छोटे छोटे माइक्रो थर्मल जोन्स क्रिएट करते हैं। क्या आप मेरे व्यूअर्स को दिखाएंगे मशीन कैसे काम करती है? हाँ जी बिल्कुल, अब पहले मैं इस मशीन को ऑन करके दिखाती हूँ। पहले मैं एक नॉर्मल फ्रैक्शनल मोड पे आपको दिखा रही हूँ कि मशीन काम कैसे करती है। आप मुझे एक वाइट पेपर दीजिए। सो इसमें अलग अलग सेटिंग्स हैं और पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सेटिंग्स हम चेंज करते हैं, और पेशेंट के वजाइना की टाइटनिंग लूजनिंग कितनी करनी है साइज़ के, उसके हिसाब से प्रोब का साइज़ भी चेंज किया जा सकता है। वो सेटिंग्स डिसाइड करने के बाद हम मशीन को रेडी करते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में दिखाएंगे तो बेटर रहेगा। उसे मैं कर दूँ। जैसे आप देख रहे हो छोटे छोटे पॉइंट्स बन रहे हैं, इंजरी पॉइंट्स, और इन सभी इंजरी पॉइंट्स के अलॉन्ग इन्फ्लेमेशन स्टिमुलेट होगी, नीचे से नया कोलाजन बनता है जो टाइटनिंग में हेल्प करता है। अब ये जो इंजरी पॉइंट्स हैं ये कोई फिक्स नहीं है, हम मशीन के अंदर सेटिंग्स चेंज करके इनको दूर और पास कर सकते हैं, इनको और गहरा लेके जा सकते हैं, डेप्थ कम कर सकते हैं, एनर्जी ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग टाइटनिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। पर इतनी बड़ी मशीन वजाइना में कैसे जाएगी? नहीं, इस मशीन के अंदर प्रोब होता है स्पेशली वजाइना के लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग प्रोब्स हैं इस मशीन के जो स्पेशली वजाइनल टाइटनिंग के लिए ही बने हैं, इनका और कुछ काम नहीं है। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि जैसे लेडीज़ की योनी है तो उसमें ये प्रोब जाता है, और उसको जैसे हम जब पूरी मशीन को घुमाते हैं तो पूरे वजाइना में अंदर जलने की वजह, जलता नहीं मतलब ऐसा नहीं कि जल जाता है, जो ये निशान पड़ते हैं ये बाद में उसको श्रिंक करते हैं और उससे वजाइना टाइट होती है। पर क्या ये पेनफुल भी होता है क्या मरीजों को? नहीं, पेनफुल नहीं होता, क्योंकि हम प्रोसीजर से पहले क्रीम लगाते हैं जिसकी वजह से जो स्किन है वो सुन हो जाती है और बिल्कुल दर्द का पता नहीं चलता। क्या इसके लिए मरीज को बेहोश करना पड़ता है? नहीं नहीं, ये एकदम आराम से आप इसे खाना खाते खाते भी करवा सकते हैं। तो 2-3 दिन भर्ती करते हैं या सेम डे? बस आधे घंटे का प्रोसीजर है, आधे घंटे में पेशेंट फ्री हो जाता है, तो कुछ भर्ती की ज़रूरत नहीं होती, और उसके बाद करवा के सीधा ऑफिस भी जा सकते हैं, अपना रूटीन काम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो मरीज़ अपने कब संबंध बना सकते हैं फिर से? संबंध 1-2 दिन के बाद वो संबंध बनाना शुरू कर सकते हैं। तो संबंध बनाने में कोई दर्द वगैरह? नहीं, संबंध बनाने में कोई दर्द नहीं होता है, वो सेटिंग्स जो है उसी हिसाब से डिसाइड की जाती है कि आपको परेशानी ना आए। तो ये किस उम्र तक की लेडीज़ करा सकती है? देखो इसमें डिपेंड करता है कि लूज़ कितना है, अगर आपकी यंग एज में ही स्किन लूज़ हो गई है तो आप यंग एज से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर बहुत ओल्ड एज में जाके आपको लग रहा है कि लूजनिंग हुई है तो ये एज से रिलेटेड नहीं है, ये डिपेंड करता है आपका वजाइना कितना लूज़ है।
इसे जल्दी स्टार्ट करवाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जब स्किन कम लूज़ हुई है तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लेडी का एक ही बच्चा है और वो उसको कराती है, तो क्या दूसरा बच्चा करने में कोई दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं आती है, मतलब आराम से दूसरा बच्चा कर सकते हैं, बल्कि अच्छी बात है, पहला बच्चा हुआ है तब टाइटनिंग करा लो तो दूसरे बच्चे के टाइम पे और लूज़ नहीं होगा, आपकी टाइटनेस बनी रहेगी। तो नॉर्मली जो लेडीज़ है उनको कितनी बार इसके लिए आना पड़ता है? इसके लिए नॉर्मली हम एडवाइस करते हैं कि आपको महीने में एक बार करवाना है, और इस तरीके से महीने में एक बार तकरीबन 4 से 6 सेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो 4 से 6 बार आपको आना पड़ेगा? 4 से 6 बार आपको आना पड़ेगा। तो फाइनल रिजल्ट आपको 6ठे सेशन के बाद मिलता है या जितना आपको मिल गया उतने में अच्छा है? तो उतना जो आपको पहले सेशन में रिजल्ट मिला है वो बना रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं कराओगे तो वो चला जाएगा, और 3 सेशन में आपको रिजल्ट पता चलना शुरू हो जाता है। ओके, तो डॉक्टर शंकिला के एक्सपीरियंस से ये टेक्नोलॉजी अच्छी है? मेरे भी मरीजों की वाइफ्स ने ये जो टेक्निक है ये मेरे क्लिनिक पे कराई है और मेरे मरीज़ भी इस टेक्निक से खुश है। कोशिश करूँगा कि कुछ मरीज़ जिनको हमने किया है उनके इंटरव्यू आप तक ला पाऊँ। पर आप जिस समझते हैं कि गुप्त रोग है या सेक्सुअल डिजीज़ है, मरीज़ इतनी जल्दी नहीं इंटरव्यू के लिए मानते। पर जैसे मैडम ने बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक तो वजनल टाइटनिंग से आपकी सेक्स लाइफ तो बेटर होती ही होती है, अगर आपको पेशाब में लीकेज की प्रॉब्लम है, अगर आपको बच्चा करने के बाद पेशाब की दिक्कतें हैं, तो उसके अंदर भी इस टेक्नोलॉजी का बिल्कुल अच्छा बेनिफिट है। तो जो ये आपने जो मशीन ली है, कुछ इस मशीन के बारे में बताएंगे, मतलब एडवांस मशीन है, इसका क्या बेनिफिट है, मतलब इसके लिए कोई स्पेशल मशीन चाहिए होती है, कोई भी मशीन कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके लिए स्पेशल मशीन चाहिए होती है और स्पेशल प्रोब चाहिए होते हैं। आप जो चेहरे के लिए जो यूज़ कर रहे हो वही चीज़ सेम चीज़ वजाइना के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो इसके स्पेशल प्रोब्स आते हैं, स्पेशल टिप्स होते हैं, और ये खास बात है कि ऑटोक्लेवेबल टिप्स होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आप एक से बस दूसरे मरीज में शिफ्ट करते रहते हैं। तो ये मतलब ये सारा सामान जो है हर बार प्रॉपरली क्लीन होके, जैसे कि सर्जरी के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट्स पूरा ऑटोक्लेव होके साफ किए जाते हैं, उस तरीके से प्रोसीजर होता है, और काफ़ी सारे डिस्पोजेबल चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें जो एक ही मरीज पे यूज़ होती है और साथ के साथ फेंक दी जाती हैं। तो वजाइनल रिजुविनेशन या जो ये योनि को बेटर करने के तरीके हैं ये रैपिडली डेवलप हो रहे हैं। इसमें कई चीज़ें हैं जिसके बारे में हम मैडम को फिर से जोड़ेंगे अपने साथ और उसके बारे में जानेंगे, जैसे नीचे के एरिया का हेयर रिमूवल, वहाँ कई बार स्मेल होती है, स्मेल इम्प्रूवमेंट के लिए जो ग्लैंड्स हैं उनका ट्रीटमेंट होता है, कलर चेंज हो गया है, लूज़ हो गया है, वहाँ पर जैसे हस्बैंड वाइफ को उतना जैसे पहले प्लेजर था वो नहीं आता है। तो हर चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, फिलर्स है, बोटॉक्स है, कलर चेंजेस है, हेयर रिमूवल थेरेपीज़ है, ये PRPs है, इसको ओ शॉट बोलते हैं, वजाइनल जो फैट फिलिंग है। तो ये एक पूरा एक नया आयाम है जो एक लेडीज़ जो है अपने हस्बैंड को या अपनी सेक्स लाइफ में फिर से एक इन्जॉयमेंट जगाने के लिए कर सकती है। हम हर टॉपिक को पकड़ेंगे, हर टॉपिक को आप तक लेके आएंगे, हर टॉपिक तभी लाएंगे आप तक जब हम उसको खुद यहाँ पर रेगुलरली कर रहे हैं, ताकि आप अगर कराना चाहें तो वो फीचर आपको यहाँ अवेलेबल भी हो पाए। थैंक यू डॉक्टर शंकिला जुड़ने के लिए। आई होप एज मोर पेशेंट्स कम वी विल बी एबल टू शो द व्यूअर्स द प्रोसीजर एंड और कुछ इंटरव्यूज़। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको ये समस्या है तो आप इसके लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हमेशा की तरह इन चीज़ों के लिए भी एक बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से अच्छा इलाज मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।